एक साल हुए हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। आप जानते हो कि बीजेपी और आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। इस नफरत और हिंसा के खिलाफ हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 पैदल चल के भारत जोड़ो यात्रा पूरी की, और उस यात्रा में हमने एक नारा दिया था जो पूरी की पूरी यात्रा को, हमारी विचारधारा को एक लाइन में समझा देता है। नारा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और जितना भी ये नफरत फैलाएंगे, जितनी भी हिंसा करेंगे, उतनी जोरों से हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे गठबंधन के लोग, मोहब्बत की दुकानें पूरे हिंदुस्तान में खोलेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि हमारी लड़ाई बीजेपी के लोगों के दिल में जो नफरत है, जो डर है, उसके खिलाफ है। और उनकी राजनीति डर और नफरत फैलाने की राजनीति है। वो बांटते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। पिछले साल जब हम चले तो रास्ते पे झारखंड से लोग आए, उड़ीसा से आए, बंगाल से आए, अरुणाचल से आए, मणिपुर से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तो चल लिया, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, ये बाकी प्रदेशों का क्या होगा? आपने एक यात्रा की, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। और इस बात को हमने मान लिया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक शुरू की। और इसीलिए मैं आज आपके सामने यहां हाजिर हूं, आपके सामने खड़ा हूं, भाषण दे रहा हूं।